डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर आपसे ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं ये बताइए, और मेरे ये डाउट हैं, मेरे वो डाउट हैं। सबसे ज़्यादा जो डिमांड आ रही है वो केंद्रीय विद्यालय PGT से आ रही है केमिस्ट्री की, जिसमें कि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं वो अभी भी जुड़ना चाहते हैं और वो कहते हैं कि सर ये डाउट्स वगैरह मेरे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और आपसे हम पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तैयार करा दीजिए, भले आप एक थोड़ा सा क्रैश कोर्स दे दीजिए थोड़े टाइम का, ठीक है, लेकिन आप पढ़ा दीजिए। कुछ UP PGT से डिमांड आ रही है कि भाई कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई सर हमारा टाइम जो है थोड़ा जितना भी बचा हुआ है इसको बढ़िया से हम चाहते हैं कि आप तैयारी कर लें और आपसे हम जुड़ना चाहते हैं। किस तरह से जुड़ सकते हैं इसका तरीका बताइए, अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, अपना कोई व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। क्लास 11th के हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट को कुछ टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उनके कुछ टॉपिक क्लियर नहीं है, वो टॉपिक अपना पढ़ना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर मेरा ये टॉपिक है, या कुछ का कोई चैप्टर ही छूटा हुआ है तो वो कहते हैं सर मेरा ये चैप्टर तैयार करा दीजिए और ऑनलाइन सर आप बता दीजिए कि किस समय अवेलेबल हैं तो हम लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा ITJEE है, नीट है, नीट में कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस जो है वो बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल में उनको प्रॉब्लम आती है और इस तरह के काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं। बहुत दिन से मैं इन मैसेजेस को देख रहा हूं और मुझे भी लगा कि भाई आप लोग इतना ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपका प्यार है तो मुझे भी आपसे ऑनलाइन जुड़ना चाहिए, तो इसके लिए मैंने नीचे एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लास लेने के लिए, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो मैं आपको एक नंबर ये प्रोवाइड कर रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर जो है बात कर सकते हैं और इसमें आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी कि कैसे आप जो है वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और कैसे आप जुड़ सकते हैं। देखिए, ये चैनल जो शुरू हुआ था वो इसीलिए शुरू हुआ था कि जितने ज़्यादा से मैक्सिमम स्टूडेंट के पास जो है वो अप्रोच आए, और दूसरा कि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे लाभ उनको मिले, उनका जो मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि सर ये बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये बोल देंगे तो ऐसा हो जाए, वो केमिस्ट्री में मिसकॉन्सेप्ट उनका ख़त्म हो और एक जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है जिसकी वजह से कोई चीज़ हो रही है वो उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिले, और मैंने इसी वजह से बहुत सारे वीडियो जो है वो अपलोड किए हैं। बट उसके बाद भी आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट रहते होंगे और डेफिनेटली रहने भी चाहिए, क्योंकि जो पढ़ता है डाउट उसी के ही आते हैं और उसी की ही डिमांड भी रहती है कि हाँ मुझे अच्छा करना है। यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी भी डिमांड आ रही है कि सर हमको ये तैयार करा दीजिए, हमको ये तैयार करा दीजिए, तो CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ISC बोर्ड, ये सबसे जो है वो कुछ ना कुछ स्टूडेंट जो हैं वो लिखते रहते हैं कि सर मैं फला जगह से हूँ, मैं सर झारखंड से हूँ, मैं सर छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं जो हूँ इधर पे इटावा साइड का हूँ, तो इस तरह से जो है मैसेजेस आते रहते हैं और मैं आपसे कैसे जुड़ सकता हूँ, मुझे आपसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है। कुछ तो टॉपिक भी देते कि सर मेरा ये टॉपिक वीक है, मुझे सर ये पढ़ा दीजिए, ये करा दीजिए, ये बता दीजिए, इस तरह से। देखिए, आपके ग्रोथ में जो मेरा पार्टिसिपेशन हो सकता है वो मैं पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आपका मेरी वजह से सिलेक्शन हो जाए, हालांकि ये मान के चलिए कि मेरा रोल जो होगा बहुत ही मिनिमम रहेगा, आपकी ही मेहनत जो होगी आपको आगे बढ़ाएगी, बट फिर भी मेरा गाइडेंस जो है वो आपको फ़ायदा अगर देता है, आपको लगता है कि आपको ये फ़ायदा देगा और आप वास्तव में मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है आप इस पर मैसेज करिएगा, मैं पूरी की पूरी डिटेल दूंगा आपको और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे जुड़ सकूँ। तो बस इसीलिए ये वीडियो मैंने अभी बनाया हुआ है, इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच वन इज रॉन्गली नेम्ड एज पर IUPAC नॉमनक्लेचर। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर सामने देख रहे हो तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमनक्लेचर दिया गया है और रॉन्गली पूछ रहा है कि भाई कौन सा जो है वो इनकरेक्ट होगा, तो आप ये पहले सर्कल कर लीजिए कि पहले आपको इनकरेक्ट फाइंड करना। अब देखिए, इनकरेक्ट में क्या होता है, देखिए मैं आपको एक बार बता दूँ, सबसे पहले जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर का पंगा होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो गलत होती है। दूसरा, मेटल के में नाम के आगे 8 लगना चाहिए बट 8 नहीं लगाते हैं।
ठीक है ना। और तीसरा जो होता है वो जो होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड में होता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड की बात हम करते हैं तो एम्बिडेंटेड में मान लीजिए कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है कि नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, इस तरह का ये यहाँ पर पंगा होता है। सल्फर से बॉन्डेड है कि ये नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, तो इस तरह का पंगा है। बट ये सबसे लास्ट वाला पंगा होता है, इसमें ज़्यादातर नहीं होता। एक गलती और भी यहाँ पर आती है, जैसे एमीन की बात करते हो तो एमीन जो होता है उसमें ए डबल एम होता है, बात समझे? तो यहाँ पर क्या होगा कि ए एम आई एन ई लिख दिया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कभी कभी जो है वो दिखाई देता है ऑप्शन में, बाकी नहीं दिखाई देते। ज़्यादातर आपको ये दो जो है वो ज़्यादातर मिलेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं, पहले फर्स्ट की बात करते, दिया है पी टी एन एस थ्री होल ट्वाइस सी एल एन ओ टू, बात समझ में आई ना? यहाँ पर कोई भी एट वाली बात नहीं होगी, यहाँ पर जस्ट वह प्लैटिनम आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर जरा चेक कर लो इसकी कितनी है, तो ये वाला जो है इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी माइनस वन है, इसकी माइनस वन है, इस वजह से प्लैटिनम की जो आएगी वो प्लस टू आ जाएगी। तो पहले प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, चेक क्लियर कर लिया भाई। अब बाकी चलो देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत जो होगी नॉमनक्लेचर की वो किससे होती है, वो लिगेंड की होती है, लिगेंड से शुरू होती है। और लिगेंड भी कैसे आपको लिखने होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे लिखने होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे तो सबसे पहले अमीन आएगा, फिर आपका क्लोरो आएगा, और फिर आपका जो है वो नाइट्राइटो या नाइट्रो आएगा, जो भी है। अभी इन्होंने नाइट्राइटो एन दिखाया है, सही है, एन ओ टू में एन जो होता है वो बॉन्डेड होता है। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा डाईअमाइन, ठीक है भाई, डाईअमाइन लिखा हुआ है, ए डबल एम लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद में क्लोराइडो, देखिए क्लोराइडो भी आता है ऑप्शन में, क्लोरो भी आता है। आईयूपीएसी का रिकमेंडेशन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि सी एल माइनस को आप क्या बोलते हो, सी एल माइनस को आप बोलते हो क्लोराइड, आप क्लोराइड, तो आप जब इसको लिखो तो इसका ई हटा दो, ई हटा दो और ओ लगा दो, इसका मतलब है कि लिगेंड में ये इसका नाम जो होगा वो क्लोराइडो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्लोरो भी लिखा हुआ मिलता है, अगर क्लोरो लिखा हुआ मिल रहा है तब भी वो भी सही होता है। क्लोरो है, ब्रोमो है, साइनो है, साइनाइडो लिखा हुआ मिल रहा है वो तो बहुत अच्छा है, वो तो सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा। लेकिन क्लोरो, साइनाइडो, ब्रोमाइडो, ठीक है, ये सब भी लिखा है, क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, तो ये भी सही है, ठीक है। तो कुल मिला के ये बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए जरा देखते हैं एक बार फिर से, डाईअमाइन हो गया, क्लोरो हो गया या क्लोराइडो हो गया, फिर नाइट्राइटो एन हो गया, ठीक है, एन ओ टू है, अगर ओ एन ओ होता तो नाइट्राइटो ओ हो जाता, और प्लैटिनम सेकेंड, सही भैया। अब जरा इस पे आ जाओ, के सी आर सी टू ओ फोर होल थ्राइस। अब ये सी टू ओ फोर क्या है, सी टू ओ फोर आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ऑक्सलेट है, कितने हैं, तीन हैं, तो ट्राई ऑक्सलेटो आ जाएगा, ट्रिस ऑक्सलेटो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं, तो ये पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम। अब जरा क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार मैं और चेक कर लूँ, तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि पोटेशियम का कितने चार्ज होता है, प्लस वन होता है, और यहाँ ऑक्सलेटो पर चार्ज कितना होता है, माइनस टू होता है। तो माइनस टू होने की वजह से ये टोटल पार्ट हो गया, निगेटिव पार्ट हो गया माइनस सिक्स। माइनस टू होने की वजह से निगेटिव पार्ट कितना हो गया, माइनस सिक्स, तो इसका ये पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस सिक्स। तो प्लस वन है तो ये प्लस फाइव हो जाएगा, प्लस वन है तो ये प्लस फाइव हो जाएगा। अगर जो मैंने पॉइंट बताया वो आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी तरीके से देख लें। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे रैंडमली चेक कर सकते हो, देखिए ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो था वो न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर देखिए कोई चार्ज नहीं है। अब लिगेंड जो है उस पर चार्ज क्या है, माइनस टू है, यहाँ पर पोटेशियम पे चार्ज कितना है, प्लस वन है, ठीक है ना। तो अब आप यार समझो, माइनस टू है इसके ऊपर, एक के ऊपर माइनस टू है, तो ये थ्री है, तो यहाँ पर माइनस सिक्स हो गया, यानी निगेटिव पार्ट वाला हो गया माइनस सिक्स। अब ये न्यूट्रल होगा तो इसके लिए ये प्लस सिक्स हो जाएगा, प्लस सिक्स में प्लस वन ये दिखा रहा है तो प्लस फाइव ये हो जाएगा, यानी इसकी फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। दूसरी तरह से आप जो कन्वेंशनल मेथड है उससे निकाल सकते हो, कैसे, पोटेशियम का प्लस वन है आपने लिखा, प्लस वन, प्लस क्रोमियम का एक्स हो गया, प्लस ये कितने हैं थ्री, एक का माइनस टू, और टोटल हो गया जीरो क्योंकि न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, वन प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप क्या प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको समझ में आएगा कि यार दिया तो यहाँ पे थ्री है, यानी यही जो होगा वो कैसा हो गया, रॉन्गली नेम्ड हो गया, यानी ऑप्शन आपका बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। सी में देखिए, सी में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है क्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है, इथाइलिन डायमाइन दिया है, इथाइलिन डायमाइन में आईयूपीएसी नेम दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इथाइलिन डायमाइन भी लिख सकते हैं और आईयूपीएसी नेम भी लिख सकते हैं, और यहाँ क्लोराइड दिया है। तो चलिए पहले कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, तो ये माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन की वजह से माइनस टू ये हो गया, और माइनस वन ये, यानी टोटल माइनस थ्री वाला ये हुआ, अब न्यूट्रल है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री आ रही है, सही है। तो ये सही होना चाहिए, देखते हैं। पहले आएगा डाइक्लोरो, पहले आ जाएगा डाइक्लोरो, फिर बेस इथेन वन टू डायमाइन है, ठीक है ना।
अमाइन में भी देखिए AMIN लिखा है, और उसके बाद में कोबाल्ट मेटल का नाम, फिर आएगा थर्ड, और फिर क्लोराइड, सही हो गया। इसके बाद इसको जरा देख लो, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है, और जब यहाँ पर थर्ड है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मरकरी जो होगा वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। क्यों भाई? साइनाइड थायोसाइनाइड पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है, तो -1 होने की वजह से ये वाला पोर्शन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन कैसा होना चाहिए, +4 होगा। तो अगर ये +1 है तो ये कैसा हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर ये नाम आ रहा है कि नहीं। एक चीज़ और, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पर क्या हो जाएगा, Hg+ में आ जाएगा, और ये आ जाएगा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1 आएगा। -1 आते ही मेटल के नाम पे लग जाएगा क्या, 8 लग जाएगा, यानी ये कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ज़रा ध्यान देने वाली हैं, और फिर हम इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो चलिए लेफ्ट टू राइट नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो पहला आएगा मरकरी फर्स्ट, मरकरी पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, फर्स्ट है, ठीक है। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लीगेंड का नाम आएगा, फिर मेटल का, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या लिखा है, टेट्रा थायोसाइनेटो एस, सही है, SCN है, सल्फर ने बॉन्ड बनाया तो टेट्रा थायोसाइनेटो हो जाएगा। मान लो नाइट्रोजन बनाता है तो क्या हो जाता है, आइसोथायोसाइनेटो। नाइट्रोजन अगर बनाता है तो क्या हो जाता है, आइसोथायोसाइनेटो। तो ये हो जाएगा टेट्रा थायोसाइनेटो एस हो जाएगा, और उसके बाद में कोबाल्टेट, सही है भाई, कोबाल्टेट और थर्ड हो जाएगा, यानी ये भी करेक्ट है। बस हमको समझ में आ गया कि जो रॉन्गली मैच था वो मेरे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।